हाँ भगा भगा जल्दी भगा मेरे भाई। आंटी। हाँ बेटा। जब समझाने के लिए बड़े लोग हैं तो मेरी बहन घर कैसे आ गई? प्यार से समझा देते। तुलसी चल अपने घर पे जा, और दोबारा तुमसे ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। दुश्मन भागने ना पाए, गेट बंद कर। ये तो पलटन लेकर आ गया। तुलसी छोटे मोटे झगड़े कहाँ पे नहीं होते, इसका मतलब ये थोड़ी कि घर छोड़ दो। एक और बात, ससुराल में रह के मायके के गुण कभी नहीं गाते हैं। ये तुम्हारे अपने हैं और इनकी छत तुम्हारी दुनिया। ये क्या सीन है, मैं मारने के लिए बैट लेकर आया और ये तो पाठ पढ़ा रहा है। दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आमने सामने बैठ के आराम से ना सुलझाया जा सके। लेकिन क्या करें, लोगों में बात करने की समझ ही नहीं है। सही कहा ना बाबूजी? सही कहा बेटा, सही कहा बेटा। बाबा अंदर आ जाओ बेटा। नहीं नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा। तुलसी पता है जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है, इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहेंगे। हालातों से भागने से अच्छा उनका सामना करो तो सब सही हो जाता है। और ये बात सिर्फ लड़कियों पे नहीं, लड़कों पे भी लागू होती है। वाह क्या बोला है, सब एक साथ सुधर गए। जीजा जी, तुलसी बच्ची है, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। और आपके अंकल का भी मैंने अनजाने में नुकसान किया। एक्शन हीरो इमोशनल बातें कर रहा है। इसने तो दो नाले निकाल ले, हथियार छुपाओ सिपाहियों। माँ जी आज से मेरी बहन तुलसी सिर्फ आपकी बहू नहीं बेटी भी है। अरे चल जा, चलता हूँ माँ जी। ठीक है बाबू जी। ठीक है बेटा। ये क्या हमारी तरफ निशाना? अरे नहीं दामाजी, हमें मत मारिए, गलत जगह पर लग जाएगी दामाजी। ओए तेरे को जानबूझ के जाने दिया। जीजा जी आज तो आप बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हैं, आपका ये रूप मैंने कभी देखा नहीं था, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। वो लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहने या करने पर मजबूर करना चाहते हैं। आज घुमा फिरा के समझाया तो है, उम्मीद है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो तुलसी से इस बारे में पंचायत मत करना, दुखी हो जाएगी। मैं इनसेंसिटिव नहीं हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है अब चलता हूँ, वरना बेकाबू हो गया तो तुम्हें उठा के सीधा खेतों में ले जाऊंगा। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाल ले तो तुम लोग पागल हो गए। हाँ चंद्रिका क्या हुआ, मैंने देखा कि तुम बड़ी तेजी से घर वापस जा रही थी। ऐसा क्या? ठीक है अगली बार मैं धीरे धीरे घर जाऊंगी। देखो तुलसी तुम्हारा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता है, वो बचपन से ही तुम्हारी वजह से काफी सारी दिक्कतें झेलता आ रहा है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, मुश्किल कितनी भी हो तुम्हें हमेशा भरोसा रखना। ठीक है बस बहुत हुआ, मैं ख्याल रख लूंगी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, पर ये बात अपने भाई के साथ डिस्कस मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं भी तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए एक सलाह देना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम कलेक्टर बनने का सपना देखकर बेवजह अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि तुम कलेक्टर बन ही नहीं सकती। इसीलिए अच्छा होगा कि मेरे भाई से शादी करके अपनी जिंदगी सेटल करो। ये बात मैं नहीं कह रही, ये तुम्हारे पार्टनर ने कहा है, क्योंकि मुझे भी तुम दोनों की शादी से कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। ठीक है फोन रखो, ये वाली बात मेरे भाई से मत कहना। रखो। हेलो पार्टनर। तो मतलब मैं कभी कलेक्टर नहीं बन सकती? क्या कहा, ऐसा गलती से भी मत कहना, मेरा छोटा सा दिल टूट जाएगा। एक्टिंग मत करो, मैंने सुना तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। क्या ये बात तुम्हें किसने बोली? हा? तुम्हारी बहन ने। लेके तुलसी का फोन आ रहा है, तुम कुछ बोलना मत, सिर्फ बातें सुनती जाना। ओके नारी शक्ति में फंस गया। अब कैसी हो तुलसी? मैं जानती हूँ वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरी हर बात उसे बताने की जरूरत क्या है? हा? उसको और मेरा वैसे भी कोई मुकाबला नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरे बारे में ऐसे बात मत ही करो तो अच्छा है। ओ तो तुमने कॉन्फ्रेंस कॉल की हुई है। ए अगर मेरा बस चले ना तो तेरी शादी अपने भाई से होने ही ना दूं। पागल कहीं की। मैं पागल? तुमसे तो बाद में निपटूंगी, पहले तुम बताओ कि मेरे कलेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसा कहा था या नहीं? नहीं तुलसी, मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? कुछ दिन पहले ही तो कहा था तुमने, जब पांडे भी हमारे साथ था। अच्छा उस दिन की बात। अरे तो ऐसा बोलना, हाँ वो कुछ कह रहा था कि वो कलेक्टर का कंपाउंडर भी नहीं बन सकती है। रुको। कैसी हो कलेक्टर मैडम, क्यों फोन किया? कलेक्टर नहीं कंपाउंडर है। तुमने कहा था कि मैं कलेक्टर नहीं बन सकती? अरे नहीं नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने सुना कि तुमने ऐसा कहा। अरे तुम कलेक्टर बनो तो फायदा तो मुझे ही होगा ना, ये तो छोटा भाई बोल रहा था। ए भाई तुम भूल गए, तुमने बोला था। ये भी सुन रहा है क्या? शायद तुलसी ने कहा था है ना। पांडे भैया मैं भी हूँ लाइन पे, पूरा खानदान फोन। भैया ने तो बोला था ना। और किसका नाम ले सकता हूँ? पहले ये बताओ और कौन कौन लाइन पर है, उसके बाद मैं याद करके बताता हूँ। किसी और से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अब जाने भी दो ना पार्टनर। क्या बात है,
मेडल मिलना चाहिए। अरे परीक्षा में फेल हो गई थी और मुझे बताया तक नहीं, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। और सोचा नहीं था इतनी सी बात का बतंगड़ बना देगी, पर अब तो तुम मेरे लिए सबसे ऊपर हो। पता नहीं कौन से लेवल पर ऊपर। शट अप, तू जा यहां से। ओ पार्टनर, मैंने तुम्हारा नंबर चंद्रिका आईएएस के नाम से सेव किया। वाह क्या बात है भाई। चलो अच्छा है तुम मुझे इम्पोर्टेंस देते हो। हेलो हेलो, हम अभी भी लाइन पर हैं, सुनाई दे रहा है। हाँ तो सुन क्यों रहे हो, कॉल काट क्यों नहीं देते? ठीक है मैं काटता हूँ ये खचाक। दोनों एक से बढ़कर एक है। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं गुड्डू के घर दूध देने जा रहा हूँ। तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। ओके ठीक है, गुड बाय। बैना तू भी काट दे, आ जाऊँ तुम्हारे पास। अगर आप गृह प्रवेश में मेरे भाई को नहीं बुलाना चाहते तो कोई बात नहीं, बस आपके माँ बाप और आपके चाचा बहुत होंगे। ए, मैंने ये घर अपनी मेहनत की कमाई से बनाया तो इसका उद्घाटन भी शानदार होना चाहिए। तो फिर मेरे भाई को बुलाने में क्या दिक्कत है? नहीं बुलाऊंगा, घर के लिए अपशगुन है वो। इस घर का काम पिछले 4 साल से रुका पड़ा था और आपके चाचा ने भी उस वक्त आपकी कोई मदद नहीं की थी। जब मेरे भाई ने मदद के लिए हाथ बढ़ाए तब जाके दिए। सुन, मेरे चाचा चाहते हैं तभी उन्होंने ये घर बनाया, इसमें तेरा भी कोई हक नहीं। क्या? तब तो मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। ठीक है जा, जो चाहे कर ले। उसने अपनी मनहूस शक्ल दिखाई तो यहाँ से बेइज्जत होकर जाएगा, याद रख। हद है। जब देखो भैया भैया। क्या आप लोग मेरा साथ नहीं दे सकते? श्रवण अपने मामा को फोन कर जरा। हाँ फोन करो जरा। फोन करो। हाँ बोल बे। मैं बोल रहा हूँ। भैया बोलिए ना। तुम्हें तुलसी के गृह प्रवेश का कोई इन्विटेशन मिला क्या? अरुण आया, कहता मैं चलना चाहिए। नहीं नहीं भैया, वो नहीं चाहते कि हम वहाँ जाएं। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया है, बस हमें नहीं बुलाया। अरुण की बेइज्जती जो करना चाहते हैं। वो तो ऐसे अकड़ रहा है जैसे उसने कोई महल बनाया है। रखे अपना घर अपने पास, मैं नहीं जाने वाला उसके यहाँ। अरे अच्छा है ना भैया, वहाँ जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर देना पड़ेगा, पैसे खर्च होंगे, आने जाने का खर्च भी बचेगा। अच्छा है, सारे रिश्तेदारों को बोल दो कोई भी उसके यहाँ ना जाए। बोल दूंगा। हमें एकता होनी चाहिए। तो ताऊजी। हाँ एकता होनी चाहिए। हाँ मैं सबसे कह दूंगा। अरुण है क्या वहाँ पर? क्या रे मिश्रा जी को सूद का पेमेंट किया? तुलसी के गृह प्रवेश के बाद कर दूंगा। जल्दी से कर दो, बार बार वो मुझे फोन कर रहे हैं। ताऊ जी हम नहीं गए तो फिर वो भी यहाँ पर नहीं आएंगे और ये रीत बन गए तो मिलना जुलना बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगा। चलो ना ताऊ जी, वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती करवा लो, यही चाहता है। हम में से कोई नहीं जाएगा वहाँ। हम चुपके से पूजा में जाके अपना फर्ज निभा आएंगे बेटा। हम वहाँ चोरी छिपे क्यों जाएंगे माँ, हमने कोई गलत काम किया है क्या? तुम्हारे ताऊजी अगर रिश्तेदारों को मना कर देंगे तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस पूजा में जाने की। तो अपने साथ इन सारे मजदूरों को ले चलते हैं, कम से कम ये हमारे साथ हमेशा खड़े तो रहते हैं। बेटा मैं भी तुम्हारे साथ साथ चलूंगा। हा? और आपके पीछे पीछे हम सब चलेंगे। ये तो बहुत अच्छा शगुन है। अभी खाना खा लें, सबका ध्यान रखना। हाँ रखूंगा ना। शर्मी की भी हद होती है। नमस्ते। अरे भैया माँ आप। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? तुमने तो कहा था कि तुमने इन लोगों को इनवाइट नहीं किया। मैंने इनवाइट नहीं किया, बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आए। अब देखो क्या करता हूं। जो भी करना है मेरे जाने के बाद करना। ये क्या चाचा जी, आप कहाँ चल दिए? आज का दिन बहुत शुभ है इसलिए एक पार्टी मैरिज हॉल का एडवांस देने के लिए तैयार हुई है। मिलते हैं भाई। अरे रहने दो। तेरा घर तो एकदम चकाचक लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम आ पाओगे और मैं किस मुंह से तुम्हें यहाँ का न्योता देती। मैंने तो फोन पे मना कर दिया था यहाँ आने के लिए। अपनी बहन से मिलने के लिए दावत की जरूरत थोड़ी होती है पगली। कैसे है भाई साहब? हाँ, ठीक है ना? अरे तुलसी चाय पानी तो पूछो बेटा। हाँ, प्रकाश यहाँ बैठो। देखो बेटा ऐसा मत करो, इस मंगल कार्य में तुम लड़ाई झगड़ा करके माहौल को मत बिगाड़ो। चलो भाई। हा? खाना खा लो। अरे नहीं, वहाँ से निकलने से पहले खा के निकले थे। अगली बार आऊंगा ना तो तेरे हाथों का खाना पेट भर के खाऊंगा। बाबा आप तो खाना खा लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, फिर कभी खा लेंगे, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। मेरे पति की हरकतों को नजरअंदाज कर दो। वो भले हमें कितना भी नापसंद कर ले पर हम उनकी इज्जत करना नहीं छोड़ सकते। अरे
रो के विदा नहीं करते पगली, मुस्कुरा के करते। अच्छा खुश रहना। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बता। अरे मूड खराब है उसका, तू वापस चला जा। सॉरी भाई मैं आ नहीं पाया। अरे कोई बात नहीं भाई। दादाजी आप वहां तक क्यों गए? हाँ। रह प्रवेश में जाने के लिए मना किया था, फिर वहां जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवा के आए? आपकी छोटी मोटी कमाई से ये घर नहीं चल सकता है, समझे? अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो जाइए यहाँ से। ताई जी रोकिए ना दादाजी को। जाने दो उन्हें, वैसे भी वो अरुण की फैमिली से हमसे ज्यादा प्यार करते हैं। गया नहीं, बाबा के लिए वेट कर रहा था। सब समझता हूँ मैं, इस उम्र में जोश की कोई कमी नहीं। देख लेना मैं भी आपको ऐसे ही घर से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा शेर बोला। चाचा जी ऐसे हालात में मैं आपसे आपका मैरिज हॉल खरीद रहा हूँ अच्छा नहीं लग रहा। बधाई हो तुम्हें, चलता हूँ। चलता हूँ कल। ठीक है, लो इसे गिन लो और जमा कर दो, तुम्हारी शादी में खर्च करने में काम आएगा। वो सब भूल जाइए बाबा। क्या क्या हुआ, रिश्ता टूट गया? अरे नहीं बाबा, चंद्रिका के साथ तो सब कुछ सही है, और उसका खासने वाला बाप नहीं मानेगा। हेलो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। आपके जीजा ने आपकी बहन को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। क्या बोला? सच कह रहा हूँ भाई, वो लोग उसे अभी हॉस्पिटल लेकर गए। कौन से हॉस्पिटल में? तुलसी नाम की मरीज किस रूम में एडमिट है? देख के बताती हूँ। तुलसी तो यहाँ पर नहीं है। गलती हो गई भाई, वो लोग उसे जानकी हॉस्पिटल ले गए हैं। हे, सच सच बता। मैं सच कह रहा हूँ भाई। क्या किया तूने तुलसी के साथ? घूम के आया ना। बधाई हो, तू मामा बनने वाला है। भाई मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अरे इसे कब का मैसेज मिल गया है? अच्छा ऐसी बात है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब तीसरी जिम्मेदारी आने वाली है। तो मैंने चाचा से पूछा, वो कह रहे थे ये बच्चा बच्चा किस लिए। भाई तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहे थे कि लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे, लड़की होगी तो क्या रखेंगे। तो अब तुम बताओ कि तुम शादी कब कर रहे हो? हाँ अरे उसको भी बहुत